So, this film is a remake of Tamil film Kaidi. Whether you had any opportunity to interact with director Lokesh on changes should be made or anything? No, not there? Really. But through people, we've been in touch, and we are discussing a few things for the future also. Thank you. Ajay, hi. I want to ask you, what are the, creatively, what have you explored the changes in the Hindi remake as a director? A lot of changes. When you see the film, I mean, we'll talk about that. The characters have been changed completely. The base idea is similar, but otherwise you would see the whole treatment, the way the world is completely different, completely different. The emotion is completely different. So whatever I felt should be different for me, I have done that. सबसे पहले तो जय भोलेनाथ सर. जय भोलेनाथ सर. बोला की बात हो रही है तो जाहिर है, आई थिंक एक मेरे कलीग ने लोकेश कनकराज का नाम लिया और उनकी मैंने दोनों फिल्में देखी है, कैथी और विक्रम. तो जो मेरा एक अनुभव एक बतौर दर्शक, ना कि सिर्फ जर्नलिस्ट, वो ये रहा है कि ये दोनों फिल्म एक्शन है, जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट जॉनर है. बट इन दोनों फिल्मों की जो आई थिंक खूबियत है और जो शायद भोला में भी रहेगी, कि कैसे जो उसकी प्राइम कहानी है वो एक फैमिली स्टोरी है. जैसे इसके अंदर एक बाप बेटी की, मैं पहले भी कहना चाहता था कि जब आप ट्रेलर देखते हैं तो हम ज्यादा कहानी खोल नहीं सकते. हाँ. तो इसलिए आपको एक्शन ज्यादा नजर आ रहा है. फिल्म में एक्शन बहुत है. हाँ. लेकिन जो एक्शन, कोई भी एक्शन बिना किसी इमोशन के वर्क नहीं कर सकता. तो द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्म इज इमोशन और जो कहानी है. बल्कि इसमें और ज़्यादा ट्रैक्स ऐड है. तब्बू के भी ट्रैक्स एडेड हैं जिसमें एक अलग इमोशन है. सो हमेशा जब आप एक कहानी सोचते हैं तो उसका इमोशन पहले सोचते हैं. अगर आपके पीछे एक इमोशन हो, आप किसी को मारे हैं तो लोगों को मज़ा आता है, वो सीटी ताली मारेंगे. अगर बिला वजह आप किसी को मारेंगे तो आई थिंक किसी का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्शन हो. तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका इमोशन सही है कि नहीं, और आपका दिल अपनी सही जगह पे है कि नहीं. और मेरे ख्याल से यही इमोशन जो है, मतलब जो ना सिर्फ मास ऑडियंस बट फैमिली ऑडियंस को भी आकर्षित करेगा इसी फिल्म में. आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड फैमिली ऑडियंस वेयर इमोशंस आर कंसर्न्ड. इमोशन एक यूनिवर्सल इमोशन होता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो. इमोशन हमेशा सेम ही होता है. एक बाप का बेटे के लिए, बेटी के लिए इमोशन, एक माँ बाप का फैमिली के लिए इमोशन, बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए इमोशन, जो भी इमोशन आप ले लें वो सब एक ही होते हैं, यूनिवर्सल है.